अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा साकिब खान और आप देख रहे हैं हंटर ऑफ कश्मीर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मेरी जो स्वार्मिंग हुई थी मक्खियों की, तो वो उसके बारे में आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि वो मेरी मक्खियां भाग गई हैं ठंड की वजह से। बहुत छोटा सा एक छत्ता पकड़ा था, वो भाग गया है। तो मेरे साथ रहिए आज की हमारी वीडियो जो शहद की मक्खियों के बारे में। ये हमारा बॉक्स है और इसमें हमने दो जो है वो दो फ्रेम की इसमें मक्खियां डाली थी हमने। ये देखें उन्होंने कितना वर्क किया है इस पे, और ये काम करके जो है अपने पूरे लगा के ना जो कॉम लगा के तो भाग गई हैं जी। बड़ी बड़ा दुख हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है। अब ये बॉक्स जो है हमारा जो खाली हो गया, तो अब इसकी जो है बिल्कुल बहुत दुख हुआ है हमें आज इस बक्स के खाली होने की वजह से। लेकिन यह है कि अल्लाह के अरकाम में बेहतरी होती है, इंशाअल्लाह हमें जो है मज़ीद मक्खियाँ मिल जाएंगी तो फिर हम वो भी इसमें रखेंगे। अभी इसको हम कर देते हैं बंद। ये जो इसके ऊपर इसका ढक्कन था ये हमने रखा हुआ है इधर। और ये चादर भी ताकि बारिश आने से बचे। अब इस बॉक्स को हम यहाँ से उठा लेंगे और उठा के हम इसको जो है अंदर की फेंक देंगे। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी आगे, जिधर हमने दूसरी मक्खियाँ रखी हुई हैं तो उनके बारे में आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है। कोई बॉक्स हमने न्यू जो लगाए थे हमने उसको लिपाई करके बॉक्स लगाए थे ट्रेडिशनल, उसमें भी जो स्काउट्स भी वगैरह आई हैं नहीं आई हैं उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। वो बॉक्स थोड़े से ऊपर लगे हुए हैं, दूसरी जगह पे लगाए हैं। मौसम ठंडा हो चुका है, पत्ते गिर चुके हैं दरख्तों से, फुल खजां का माहौल है और मौसम खजां का है। पहले पहले आपने देखा था सर्दियों में जो थी हमारे बॉक्स के बाहर बैठा करती थी मक्खियाँ, आजकल जो है बिल्कुल शाम होते ही मक्खियाँ वर्क भी छोड़ देती हैं। बहुत कम तादाद में ये देखें बाहर आपको एक इक्का दुक्का नज़र आएंगी, वो भी जो पुरानी मक्खियाँ हैं। तो अब हम जा रहे हैं बॉक्सेस को चेक करने कितना वर्क हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो हमारे ये जो बीज हमने लास्ट वीक पकड़ के लाई थी इसमें डाली हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करती हैं, अच्छा काम कर रही हैं। और अभी शाम हो गई है क्योंकि मगरब के करीब का वक्त है, तो ये इन सर्दी की वजह से बाहर अभी आ जा नहीं रही हैं। इक्का दुक्का मक्खियाँ आती जाती हैं लेकिन नज़र कम ही आती हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और ये जो है हमने न्यू बॉक्स लगाए हैं ट्रेडिशनल बॉक्स हैं ये भी, और इसमें ये जो है हमने पुराने वो छत्ते जो हैं वो शायद निकाल के उनके उसके बाद जो है वो पिघला के जो है उसके साथ थोड़ा शायद लगा के यहाँ पे लगाएं, इससे भी हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं। ये वाली तो पुरानी ये बेचारी काम कर रही हैं। ये बॉक्स भी खाली है तो इसमें फ़िलहाल अभी तक कुछ भी नहीं है। कल ये मैं लिपाई करके इसके ऊपर ये जो है ये वो पोरे लगाएं गर्म करके, शहद वगैरह भी साथ लगाए इसके साथ आ जाएं। तो ये वाला जो है ये बॉक्स इसमें ये काम कर रही हैं, आप देख रहे हैं मक्खी भी सामने। और एक नीचे इस दफ़ा ये बड़ा बॉक्स लगाया हुआ है ट्रेडिशनल, और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है काला काला, ये पूरे ना जिनसे शायद निकल जाने के बाद जो छत्ते होते हैं ये वो लगाए हुए हैं इस पे, ताकि जो है जी हमारी शहद की मक्खियाँ इसकी खुशबू से अट्रैक्ट हों और वो हाँ जो स्काउट बीज होती हैं घूमती फिरती रहती हैं वो ये जगह पसंद करें और आ जाएं। उसके बाद इधर ये भी पुराना है, ये भी काम कर रही हैं, अच्छी खासी इनकी प्रोग्रेस है। और ये जो लास्ट पे है ये मैं आपको बताऊँ अगर, तो ये छत्ता जो है इसमें आज स्काउट बीज दिन के वक्त घूम फिर रही थी, तो उम्मीद है यहाँ पे स्काउट भी
और मक्खियां लाएगी और जो है हमारा छत्ता जो है अल्लाह करेगा इसमें आ जाएगा जल्दी। तो उम्मीद है हमें इंशाल्लाह इसमें जल्दी आ जाएगा छत्ता। तो ये लगाने का जो मतलब मकसद ये होता है कि हनी बीज पे अट्रैक्ट होती हैं, ये जो स्काउट भी आजकल सर्दियों के सीज़न में घूमती फिरती रहती हैं ताकि उनको कोई महफूज जगह मिल सके, ताकि वो सर्दी और बर्फ़ वगैरह की वजह से बच सकें और इनको सर्दी में ना रहना पड़े। जगह के हर वक्त तलाश में रहती हैं। तो आज मैं जिस दिन को जब वापस आया घर, तो मैंने देखा इस पे स्काउट भी एक घूम फिर रही थी। तो आज की हमारी वीडियो जो थी वो आज इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो के में इंशाल्लाह आपको अगर इसमें हमारा स्वाम आ गया वो भी दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।